हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने दीर्घ की मात्रा का पढ़ा था। इस बार इस बार है री की मात्रा पढ़ना है। उससे पहले कुछ लाइफ स्किल्स हैं। खेले खेल है ना, यहाँ एक चित्र दिया गया है, देखिए इसमें कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे, सभी खेल रहे हैं। आप लोग भी सामने निकलते हो खेल लें तो देखो, यहाँ पर बच्चे सभी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं पहले आप ये देखो, कोई फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ देखो है ना, ये फुटबॉल खेल रहा है, ये बैडमिंटन खेल रहा है, ये डॉल से खेल रही है, और नीचे देखो ये टॉय से खेल रहा है ना, बहुत सारे खिलौने हैं यहाँ पे। और अब है देखिए, आपको कौन सा खेल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? आप भी खेलते हो, बाहर खेलने जाते हो, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा खेल लगता है? ठीक है, आपको ये चूज करना है, सेलेक्ट करना है, देखना है फिर है, क्या हर समय खेलना या पढ़ाई करना सही है। आपको ऐसा लगता है कि हर समय खेलते रहना सही है या फिर हर समय पढ़ाई करते रहना, या कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं किए जा रहे हैं या कंटिन्यू खेले जा रहे हैं, क्या दोनों सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है। हमें हर काम सही समय से करना चाहिए, यानी खेलने का भी एक सही समय होता है, पढ़ने का भी एक सही समय होता है, एक निश्चित टाइम होता है। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ रहे हैं तो दिन भर खेल ही रहे हैं, थोड़ा खेलना भी चाहिए तो थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। फिर है कोई चार खेलों के नाम बताएं। आप बहुत सारे खेल खेलते हो तो कोई चार खेलों के नाम बताना है आपको। तो आप इस बारे में अपने घर में बात कर सकते हो, सबसे घर के अंदर हम कौन कौन से खेल खेलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे लूडो हो गया, फिर स्नैक लैडर्स है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो हम घर में खेल सकते हैं, कैरम है, बहुत सारे हैं जो हम घर में खेलते हैं। ठीक है, फिर उस तरह से है, फिर देखिए इंद्रधनुष की रन है ना, एक और है क्रिएटिव स्किल्स है जो अब इसमें इंद्रधनुष का एक चित्र दिया गया है, इसमें आपको रंग भरना है। पहले इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं ये देखिए है ना, लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी। देखिए इसका ना एक ये होता है बैनी आ पिनाला, ठीक ना, बैगनी, आसमानी, हरा, नीला, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, उसी तरह से आपको ये भरना है, जो कलर यहाँ इंडिकेट किए हुए हैं आपको भरना है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है, आसमानी है, ठीक, बैगनी है, ये आपको पूरा भरना है। इसमें बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष तैयार होगा आपका। और इंद्रधनुष कब आता है ये आपको है पता, जब बारिश होती है और आसमान में धूप भी होता है, जब दोनों का संगम होता है तब कभी कभी आसमान में जो है ऐसे मौसम में इंद्रधनुष हमें दिखाई देते हैं। ठीक ना, आप पूछिएगा अपने पेरेंट्स के बारे में कि कभी भी इंद्रधनुष आसमान में निकले तो आपको ज़रूर दिखाएँ, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है जब निकलता है इंद्रधनुष। ठीक, अब देखिए ये इंद्रधनुष के बारे में आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है। फिर है आपको पढ़ना है यहाँ पर री की मात्रा है ना। अब आपका स्टार्ट होता है, री की मात्रा से संबंधित शब्द है। अब हालांकि UKG पिछले क्लास में भी आप लोग को पढ़ाया गया था री की मात्रा, फिर भी देखिए यहाँ कुछ शब्द है री की मात्रा से, यहाँ चित्र भी दिया गया है, वृक्ष, यहाँ री की मात्रा व में लगाया गया है ना, वह है री की मात्रा को हम नीचे लगाते हैं इस तरह से, तो व में री लगा दी तो व्री क्या बन गया, व्री है ना, व री व्री क्ष वृक्ष। ठीक, उसी तरह से न में री लगाया हुआ है तो नृ क्या बन जाएगा, नृ प नृप। क है, क में री लग गया तो क्या बन गया, क्री क्री श क कृषक, यहाँ है ना लिखा हुआ। उसी तरह से त में री लगाया हुआ है तो तृण। ठीक, फिर है इससे संबंधित एक दो चार लाइन है यहाँ पर री की मात्रा से का ही है, देखिए, हरा भरा वृक्ष था है ना, यहाँ री की मात्रा का प्रयोग वृक्ष में किया गया है, यहाँ है आसपास हरी घास थी, हरी घास पर मृग नाच कर खुश हुआ, यहाँ री की मात्रा मृग में किया, म में किया गया है, एक नृप आया और गाना गाया है ना, यहाँ भी देखिए री की मात्रा न में है, नृप उसकी वाणी मृदु थी, मृदु, ठीक, म में यहाँ है, पूरा वन झूम उठा, इतना सही तो पढ़ना है बस। फिर है
चित्र देखकर एक नाम और लिखना है आपको। तो यहाँ हिरण है, हिरण का एक नाम आप और लिखोगे क्या होगा, मृग। हिरण का एक और नाम होता है मृग, ठीक है। अब देखो किसान है, किसान का क्या होगा, कृषक, कृषक होता है। अब राजा है, बताओ राजा का क्या होगा, देखो यहाँ भी है राजा का क्या होता है, तो राजा का नृप होता है ना, तो आप यहाँ पर नृप लिखोगे, ठीक। फिर यहाँ पर देखो तिनका है, तो तिनका का भी देखो यहाँ दिया गया है तृण है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे तृण, ठीक ठीक है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। अब ऋ की मात्रा का यहाँ पर अभ्यास आपको अच्छे से करना है, ऋ होता है और इसे सब अक्षरों के नीचे में लगाया जाता है, ऋ से पढ़ा जाता है ना, ठीक है। इसका आपको बार बार प्रयास करना है, बार बार अभ्यास करना है, इसी से आपका ये सही से अभ्यास हो पाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।